आम आदमी पार्टी से दुर्ग ग्रामीण प्रत्याशी संजीत विश्वकर्मा लगातार गांव-गांव में सभा कर अपना प्रचार करते देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि जनता को ठगने वाले नेताओं से जनता को छुटकारा दिलाने मैदान में उतरा हूं। फौज में रहकर मैंने देश की सेवा की है, अब जनता की सेवा करने की बारी है। और दुर्ग ग्रामीण की जनता ने दोनों पार्टियों को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया है, अब उन्हें दुर्ग ग्रामीण का विकास कर जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। देखिए, इस बार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जैसा कि जनहित की बात की जाती थी, तो जनहित की सुविधाओं को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, इस बार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में पूर्ण शराब के ठेके बंद करने की गारंटी जारी की गई है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के लिए। और साथ ही साथ जिन्हें पेंशन मिलना था, जो वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन या फिर अन्य कई प्रकार के विधवा पेंशन वगैरह होते थे, जिन्हें जनगणना सूची में नाम न होने का हवाला देकर पेंशन नहीं दिया जाता था, इस बार सभी को पेंशन दिलाने की गारंटी है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में 30-30 महिलाओं का एक समूह बनाकर हर महिला समूह को 15,000 रुपये की सम्मान राशि दिए जाने की गारंटी हमने जारी की है। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जो सबसे महत्वपूर्ण एवं अहम एक हिस्सा है, जिन्हें आवास की जो बात कही जाए कि आवास के नाम पर लगातार लोग परेशान रहे थे, इस बार आवास की भी गारंटी आम आदमी पार्टी ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जारी की है। और आपको बताना चाहता हूँ कि भूमिहीन किसानों के लिए भी जो उन्हें उनका अधिकार है, जो हक है, उसे भी पूर्ण रूप से दिलाने की गारंटी आम आदमी पार्टी ने दुर्ग ग्रामीण में जारी की है। सहारा चिटफंड जैसे जगहों में फंसे हुए पैसे, जिनका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, जो अभी तक लोग दर बदर भटक रहे हैं, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के प्रत्येक नागरिक का इस तरह का फंसा हुआ पैसा उन्हें दिलाने की गारंटी है। और साथ ही साथ अन्य ढेर सारी गारंटियाँ हैं जो कि हमारे गारंटी पत्र में लिखी गई हैं, तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम जनजन तक पहुंचा रहे हैं। और मेरी जनता से अपील है, इस बार सोच समझकर वोट करें, जो आपको व्यक्ति उचित लगता है उसे ही वोट करें।